अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ हो गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला बुनकरों, शिल्पकारों और कलाकारों को मंच प्रदान करता है। इससे उन्हें अपनी प्रतिभा को तराशने और आजीविका कमाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये मेला कला, संगीत एवं सभ्यता का संगम है। आज ये अवसर न केवल एक शुभ अवसर है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 में, जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को, यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है, अर्थात सारे दुनिया के लोग यहां आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत उहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए कि न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूं सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी, जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं हम करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो लेकिन इस बार हम इसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प से जो प्यार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं, आज सब वो यहाँ आए हैं। सूरजकुंड ये मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारा जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है, तो इस तप और शक्ति के समान इस मेले में आकर के और यहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और, जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां हमें ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में वसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। तो इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। गौरतलब है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उज्बेकिस्तान के राजदूत के अलावा कई और मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पानीपत से 4,000 करोड़ की हैंडलूम का निर्यात किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये मेला बुनकरों व शिल्पकारों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है। देश की हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को प्रदर्शित करने वाले 35वीं सूरजकुंड शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के आयोजन के लिए मैं हरियाणा और केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ देश विदेश से पहुंचे शिल्प कलाकार और पर्यटकों का हरियाणा की पावन धारा पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस बार उज्बेकिस्तान मेले में सहयोगी देश के रूप में भाग ले रहा है। इतिहास में उज्बेकिस्तान और भारत के संबंधों की जड़ें बहुत गहरी, व्यापारिक संबंधों का साथ साथ वास्तुकला, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक संबंधों में भी दूसरे का गहरा योगदान है। इसके साथ साथ
भारतीय सिनेमा भी उज्बेकिस्तान में बहुत ही लोकप्रिय है। मेले में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इथियोपिया, मोजाम्बिका, टैंजानिया, जिम्बाब्वे, उगांडा, नामीबिया, सूडान, नाइजीरिया, गुनिया, सेनेगल, अंगोला, घना, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीव सहित 30 देश से भी अधिक देश भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए विशेष करके भारत के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई है कि 35वीं सूरजकुंड शिल्प मेले में जम्मू कश्मीर राज्य थीम स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। इस राज्य की संस्कृति की अपनी पहचान है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह राज्य अपनी असीम सुंदरता, पर्यटन स्थल और अपनी आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। मुझे गर्व है कि सूरजकुंड शिल्प मेला कला और शिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ देश विदेश के कला परखियों के लिए भी बहुत अच्छा मंच बन गया है। इस मेले में निर्यातकों और खरीदारों को आमने सामने मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा में हुनर हाट योजना के बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस योजना के तहत शिल्पियों को कलाकारों में हुनर का विकास करके 17 लाख रोजगार पैदा करने की कार्य योजना है। प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी मुक्त किया गया है। इन्हीं योजना की बदौलत हरियाणा के पानीपत से 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हैंडलूम उत्पाद निर्यात किया जाता है। मैं कौशलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि से श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किया जा रहा है और देश में पहली यूनिवर्सिटी है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से और राज्यपाल के रूप से अभिनंदन देना चाहता हूँ। वहीं उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में उज्बेकिस्तान के भागीदार राष्ट्र बनने से हरियाणा व उज्बेकिस्तान का दिल से दिल का रिश्ता बनेगा। उन्होंने बताया कि इस मेले के आयोजन से शिल्पकारों, कलाकारों व बुनकरों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही गत मेले में लगभग 12 लाख पर्यटक शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस मेले में सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं तथा पार्किंग के लिए पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया गया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पुलिस के जवान भी निरंतर चौकन्ना रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।